वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स ग्लो मुस्कान। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ट्रेंडिंग प्रोडक्ट के बारे में, जो कि है लैक्मे की ल्यूमी क्रीम। आजकल हर कोई इसको ट्राई करना चाहता है क्योंकि काफी ट्रेंड में है, और ट्राई करने से पहले सभी के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या आपको ये क्रीम लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्या ये वैसा ही वर्क करती है जैसा ये क्लेम करती है। तो आप सबके इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर दो, ताकि आपको मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये क्रीम क्लेम क्या करती है। लैक्मे की ये ल्यूमी क्रीम क्लेम करती है कि ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है, साथ ही साथ एक हाइलाइटिंग इफेक्ट प्रोवाइड करती है जिससे आपके फेस पर एक इंस्टेंट ग्लो आ जाता है, और साथ ही साथ ये भी क्लेम करती है कि ये सभी स्किन टाइप वालों के लिए सुटेबल है। तो चलिए अब इसकी प्राइसिंग की बात कर लेते हैं। तो इसका प्राइस है 299 रुपीज, जिसमें आपको 30 ग्राम प्रोडक्ट मिल जाता है। लेकिन आपको पर्पल, नायका या ऑनलाइन आप शॉपिंग करेंगे तो ये आपको कम प्राइस में भी अवेलेबल हो जाएगा। चलिए अब इसे अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। मैंने इसे काफी टाइम यूज किया है, मुझे ये काफी पसंद आई है। तो इसकी पैकेजिंग कुछ ऐसी होती है जैसा आपको इसमें दिखाई दे रहा है, ये ऐसा ही प्रोडक्ट है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो बहुत ज़्यादा ना लिक्विडी है ना बहुत ज़्यादा सॉलिड है, बहुत अच्छी कंसिस्टेंसी है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको इसको अपने फेस पर अप्लाई करके दिखाती हूँ कि आपको कैसा ग्लो प्रोवाइड करता है। तो आप देख सकते हो मैंने अपने आधे फेस पर ही क्रीम अप्लाई कर ली है और इस साइड पर नहीं की है, तो दोनों साइड में काफी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। इधर एक नेचुरल सा ग्लो आ रहा है और इधर थोड़ा सा डल लग रहा है। तो ये क्रीम डेफिनेटली आपकी स्किन को एक ग्लो प्रोवाइड करती है, लेकिन क्या ये मॉइस्चराइज भी करती है आपकी स्किन को और ये सभी स्किन टाइप वालों के लिए सुटेबल है? तो आपको बता दूं कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आप इसको मॉइस्चराइजर यूज करके तब अप्लाई कीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बहुत देर तक ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज नहीं रखती है। नॉर्मल स्किन टाइप्स के लिए ये सुटेबल है, बट अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको सेपरेटली मॉइस्चराइजर यूज करना चाहिए, तब आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो आप बात करते हैं कि आप इसको यूज कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो अच्छी बात इसकी ये है कि आप इसको अपने मेकअप के पहले भी यूज कर सकते हैं और मेकअप के बाद भी यूज कर सकते हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि मैंने अपने बीबी क्रीम के ऊपर ही इसको अप्लाई किया है, तो ये बहुत अच्छा ग्लो प्रोवाइड कर रही है। आप इसको मेकअप के पहले अप्लाई करेंगे तो एक अंदर से ग्लो आएगा जिससे एक नेचुरल इफेक्ट आपको मिलेगा, और साथ ही साथ इसको आप एज अ हाइलाइटर भी यूज कर सकते हैं। तो आप इसको बहुत सारी वेज में यूज कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कैसे यूज करना चाहते हैं। तो अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा कि आपको ये क्रीम लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, एंड आई होप कि आपको आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे और अब आप डिसाइड कर सकते हैं आसानी से कि आपको इस क्रीम की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, जिससे मेरा मन करता है कि मैं और ऐसी वीडियोस बनाऊं जो आपको पसंद आए। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को हिट कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।